कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आ गई होटल में? टैक्सी में बैठे शिखर के मन में यही सवाल चल रहा था। थोड़ी देर पहले उसे अनन्या का संदेश आया था जिसमें अनन्या ने लिखा था, मैं होटल में हूं। आखिर होटल में क्या कर रही थी अनन्या? शिखर के मन में यही सवाल घूम रहा था। शिखर होटल पहुंचते ही अनन्या को ढूंढने लगता है। अनन्या उसे जोसेफ से बातें करते हुए मिलती है। शिखर को देख अनन्या उसके पास आती है और बोलती है, अरे तुम यहां क्यों आ गए? शिखर पलटकर पूछता है, मुझे छोड़ो, तुम यहां क्या कर रही हो? कॉलेज क्यों नहीं आई? अनन्या जवाब देती है, वो दरअसल होटल में सुबह सुबह बॉस की बहुत जरूरत होती है, लोगों से मिलना और दिन भर का प्लान फाइनलाइज करना, और तुम सुबह जल्दी निकल गए थे कॉलेज के लिए, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने सब देख लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? शिखर तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ के उसे बोलता है, जो भी किया सही किया, अगर तुम ना होती तो जाने क्या करता मैं। मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारा है ये होटल। मेरी जगह फैसले लेना तो क्या, तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं होटल के लिए। शिखर ने जो अनन्या का हाथ थामा था वो उसे छोड़ने का मन में तो ना था, पर जैसे ही जोसेफ वहां आता है शिखर को ना चाहते हुए भी अनन्या का हाथ छोड़ना पड़ता है। जोसेफ आकर शिखर को बोलता है, सर हमने आपके सेक्रेटरी के कहे मुताबिक आपका सामान आपके कमरे में रखवा दिया है। शिखर हैरान होकर पूछता है, सेक्रेटरी के कहने पे? मेरी तो कोई सेक्रेटरी है ही नहीं। शिखर को तभी कल की बात याद आती है, कहीं ये वही तो नहीं? जोसेफ बोलता है, अगर वो आपकी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन है? माफ कीजिएगा सर, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, वो अभी कहां है? जोसेफ ने जवाब दिया, अभी वो आपके कमरे में ही होगी सारे सामान को सजाते हुए। शिखर जैसे ही ये सुनता है सीधा भागना शुरू कर देता है अपने कमरे की ओर। किससे पूछकर यहां आई तुम, और मेरे कमरे में ये सब क्या है? शिखर सामने पड़े किताबों के भंडार को देखकर सेक्रेटरी से सवाल करता है। बबीता ने शिखर के कमरे को किताबों से भर मानो पुस्तकालय ही बना दिया हो। इतनी किताबें देखकर शिखर भी हैरान हो गया। कोई मेरे कमरे में किताबें क्यों रखवाएगा? शिखर मन ही मन सोच रहा था। बबीता ने जवाब दिया, मुझे ऑर्डर आया था कि आपके कमरे में ये सारी किताबें रखी जाए और आपको ये बताया जाए कि आज से मैं आप पे निगरानी रखने वाली हूं पढ़ाई लिखाई के मामले में, और अगर आपने बात मानने से मना किया तो उसके परिणाम भी होंगे। शिखर पलटकर पूछता है, क्या परिणाम? बबीता बोली, ये नहीं पता मुझे, मुझे जितना बताया गया था मैंने आपको बता दिया, और हां आपने जो भी कल सवाल पूछे थे उनमें से किसी का भी जवाब देने से मना कर दिया उन्होंने, बस इतना बोला जब समय आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, तब तक इंतजार कीजिए। शिखर की ये बात सुनकर सांसें तेज हो जाती है और वो सोचता है, आखिर कौन है जो मेरी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है? और बबीता से पूछता है, तुमने बताया था किसी रोजगार एजेंसी के जरिए तुम्हें नियुक्त किया था उन्होंने, कौन सी एजेंसी थी वो? मुझे उसका नाम जानना है। बबीता से उस एजेंसी का नाम और पता लेकर शिखर नीचे जाता है और जैसे ही निकलने वाला होता है कि पीछे से आवाज आती है। अनन्या बोल पड़ती है, अब मुझे भी साथ जाना है। शिखर भी अनन्या को मना नहीं कर पाता और दोनों साथ निकल पड़ते हैं पता लगाने की आखिर कौन है इसके पीछे। अगर कोई पूरे 50 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में डाल दे और अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहे तो क्या करना चाहिए? अनन्या चौंकते हुए बोलती है। शिखर ने सारी बातें अनन्या को बता दी एजेंसी पहुंचने के रास्ते में ही। मैं कोशिश किए जा रहा हूं पर वो अपनी पहचान बताने को राजी ही नहीं है, अब मुझे अपने तरीके से ही उनकी पहचान निकालनी होगी। शिखर ने जवाब दिया। दोनों एजेंसी के अंदर प्रवेश करते हैं। शिखर सीधा डेस्क पर जाकर पड़ताल शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है, मुझे बबीता बनर्जी जिनको आपके कंपनी के द्वारा मेरा सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था उनके बारे में कुछ पूछना था। एक मिनट सर, डेस्क पर बैठे इंसान ने अपने कंप्यूटर में लिखते हुए बोला। हाँ मिल गया बबीता बनर्जी का प्रोफाइल, अब बताइए क्या काम था? शिखर बोला, उन्हें नियुक्त किसने किया था
क्या ये पता लगा सकते हैं? डेस्क पे बैठे उस इंसान ने साफ मना कर दिया। ये तो सेंसिटिव जानकारी है सर, ये तो हम किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकते। शिखर ने समझाने की कोशिश तो की, मगर वो इंसान कहां मानने वाला था। अनन्या भी आगे बढ़ते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं शिखर के लिए जानना कितना जरूरी है। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो हम आपको परेशान नहीं करते। डेस्क पे बैठा आदमी बोला, ये मेरे हाथ में नहीं है, आप बॉस से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने बोला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको ये बताने में। शिखर जैसे ही ये सुनता है सीधा अनन्या के साथ बॉस के केबिन में घुस जाता है और उनसे विनती करने लगता है, मगर बॉस भी उनकी एक बात मानने को राजी नहीं और बोलता है, हमारी कंपनी की योजना में से एक है ये कि ऐसी जानकारी किसी बाहर वाले के साथ साझा नहीं कर सकते। शिखर गुस्से में बोलता है, आपको पता है मैं कौन हूं? ये होटल ब्लू लिली के मालिक हैं। अनन्या बोली, अगर किसी मिनिस्टर के बेटे भी होते तो भी नहीं बता सकता हूं मैं ये, बॉस ने जवाब दिया। क्या करना होगा मुझे ये बात जानने के लिए? शिखर पूछा। एक ही तरीका है, कंपनी खरीद लो, इसके अलावा और किसी भी सूरत में आपको ये हम बात नहीं बता सकते, बॉस ने जवाब दिया। कितने की है ये कंपनी? शिखर बॉस की आंखों में आंखें डाल के बोला। बॉस शिखर का हुलिया देख के हंस पड़ा, तू खरीदेगा? अरे पहले अपने लिए ढंग के कपड़े तो खरीद ले, और तंज कसते हुए बोला। शिखर ने तुरंत अपने फोन में खाते का बैलेंस दिखाया, जिसे देखकर बॉस आश्चर्यचकित रह गया। परसों इन्होंने हमारा होटल ब्लू मून खरीदा। अनन्या बोली, अब बताओ कितने की है तुम्हारी ये कंपनी? शिखर ने पूछा। लगभग एक डेढ़ करोड़, मैंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया इस कंपनी को, बॉस अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोला। 2 करोड़ अब भी भेज रहा हूं आपको, आज से ये कंपनी मेरी। अब बताओ कौन है वो जिसने बबीता को नियुक्त किया? शिखर बेसब्री से बोलता है, माफ करना मगर आज तो किसी भी हालत में ये बात नहीं बता पाऊंगा, बॉस बोला। मगर क्यों? शिखर ने पूछा। कंपनी के कागजात बनाने में 1 दिन लग जाएगा, भले ही कल सुबह आप आकर सबसे पहला काम यही करना, मगर जब तक कंपनी आपके नाम नहीं होती तब तक, बॉस ने जवाब दिया। शिखर बॉस को बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है इतने दिन इंतजार कर लिए तो 1 दिन और सही, कल कागजात तैयार रखिएगा, अब कल ही मिलते हैं। इतना बोल शिखर चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लिए अनन्या के साथ वहां से निकल जाता है। शिखर अनन्या के साथ होटल पहुंचता है। अब कल तुम्हें आखिरकार तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अनन्या बोली। तुमने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई किसी के लिए नहीं करता ना। थैंक यू, शिखर बोला। इतना भी फॉर्मल क्या होना, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में नो थैंक यू ये तो पता ही होगा, अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं? शिखर हिचकिचाते हुए बोला। हाँ हाँ पूछो पूछो, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया अदा करने को मैं तुम्हें कल रात डिनर पे कहीं ले जा सकता हूँ क्या? शिखर ने डरते डरते पूछा। क्या मुझे डेट पे ले जाने की परमिशन मांग रहे हो मिस्टर शिखर? अनन्या शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। शिखर का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ये देखकर अनन्या हंसते हुए बोली, अगर डेट हो तो मैं राजी हूं, अगर शुक्रिया अदा करने के लिए ले जाना है तो मैं नहीं जा रही, फैसला करके बता देना। ये बोलकर अनन्या वहां से जाने लगती है। शिखर भी समझ गया और बस इतना सा बोला, घर छोड़ने चलूं क्या साथ? अनन्या ने दूर जाते हुए जवाब दिया, टैक्सी लेके चली जाऊंगी, कल के लिए कम से कम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना मिस्टर शिखर। अनन्या की इस बात पे शिखर के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। अनन्या कुछ दूर जाकर हाथ दिखा एक टैक्सी रोकती है और अंदर बैठ के किसी को फोन लगाती है, और दूसरी ओर जैसे ही कोई फोन उठाता है अनन्या बोलती है, हाँ पापा,
मैंने सब पता लगा लिया इसके बारे में। ये तो बस 2 दिन का करोड़पति है, इससे हमारा होटल वापस लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे पता है इसे कैसे फंसाना है। आप मुझ पे भरोसा रखो पापा। वो वापस दिला के ही रहूंगी। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। आज आखिरकार इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा कि शुभचिंतक कौन है, क्या राज है इस 50 करोड़ के पीछे। अगले दिन शिखर अनन्या के साथ एजेंसी की ओर जाते हुए यही सोचे जा रहा था। अनन्या बोली, कल एजेंसी के बॉस ने बोल दिया था 10 बजे खुलता है उनका कार्यालय, अभी 9:30 ही हुए हैं। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पहले कहीं चल के कुछ खा लेते हैं फिर चलना एजेंसी। शिखर जवाब देते हुए बोला, जाने क्यों, मुझे अभी भी लग रहा है कि शुभचिंतक की पहचान इतनी आसानी से हमारे सामने नहीं आने वाली, और जब तक मैं इस बात का पता ना लगा लूं मुझे चैन नहीं आएगा। बस एक बार मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए फिर तुम जहां बोलो वहां चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अनन्या शिखर के थोड़ा और करीब आते हुए बोलती है, वैसे आज ये जो नया शर्ट पहना है तुमने काफी जच रहा है आप पे मिस्टर शिखर कामले। ये बात सुनकर शिखर का चेहरा लाल पड़ने लगा। इससे पहले वो कुछ बोल पाता अनन्या हंसते हुए बोली, हेलो, बातों बातों में पहुंच गए तुम्हारे एजेंसी। शिखर की नजर सामने एजेंसी पर जैसे ही पड़ती है मानो उसे एक झटका लगता है और वो भागकर एजेंसी के सामने जा पहुंचता है। शिखर की नजरों के सामने एजेंसी की दीवार पे चढ़ा एक मजदूर एजेंसी के नाम का बोर्ड हटा रहा था। शिखर उससे पूछता है, अरे क्यों हटा रहे हो इस बोर्ड को यहाँ से। मजदूर शिखर की ओर देखते हुए बोलता है, कोई नया मालिक आने वाला है यहाँ तो पुराना बोर्ड हटा कर नया लगा रहा हूँ। ये बात सुनकर शिखर की जान में जान आई। तभी भागती हुई अनन्या वहां पहुंची और हाफते हुए पूछती है, अचानक से भाग के क्यों आ गए। शिखर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बोर्ड हटता देख कर मुझे ऐसा लगा कि अब कोई ये ना बोल दे कि इस नाम की कोई एजेंसी नहीं है यहाँ पे। अनन्या को शिखर की ये बात समझ नहीं आती और वो धीरे से हंसते हुए बोली, अब चलो भी अंदर शुभचिंतक की असली पहचान पता करने। शिखर और अनन्या एजेंसी के अंदर जाते हुए देखते हैं कि वहां सारे कंपनी के नाम के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। शिखर जाके सामने वाले डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। पूरा ऑफिस मानो खाली ही था सिवाय मजदूरों के जो अपने काम पे लगे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। शिखर मुड़के देखता है, एजेंसी का बॉस अपने केबिन से चलता हुआ उनके ओर ही आ रहा था और शिखर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको ये सब कंपनी का नाम बदलने या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एजेंसी हमेशा से जैसी थी वैसी ही रहेगी आगे भी। फिर भी आपका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। बॉस अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको धन्यवाद बोलना पड़े। ये सुनकर शिखर बोलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। मगर बॉस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शिखर को भी ये बात अजीब लगती है कि कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और शिखर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोलता है, तो चलिए काम की बात पे आते हैं, आप कागजात ले आइए, साइन करके डील फाइनल करते हैं। बॉस अपना समय लेते हुए धीरे धीरे बोलता है, उससे पहले कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि बॉस की बात खत्म हो शिखर उन्हें बीच में ही काटते हुए बोलता है, अगर आपकी कोई शर्त या टर्म्स है तो मुझे सब मंजूर है, आप बस इस कंपनी को मेरे नाम करो और वो फाइल मुझे सौंप दीजिए। बॉस शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, अब यह मुमकिन नहीं है। शिखर तेज सांसें लेते हुए बोलता है, क्यों नहीं। तभी शिखर की नजर पास खड़े मजदूर पे जाती है जो उसे हटाए गए पोस्टर की जगह अब किसी और कंपनी के नाम का पोस्टर लगा रहा था। शिखर की आंखें उभर आती है और वो बिना पलक झपकाए बॉस की ओर देखे जा रहा है। बॉस अपनी धीमी आवाज में जवाब देते हैं, आपके कल यहां से जाने के बाद किसी ने आपके दाम का दुगुना देकर ये एजेंसी खरीद ली, न जाने कैसे मगर वो पहले से ही कागजात तैयार करके मेरे पास ले आया
और इतना सारा पैसा एक साथ सामने देखकर मैं भी उसके प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया। शिखर चिल्लाते हुए बोला, अगर पैसों की ही बात थी तो एक बार मुझे फोन कर लिया होता, मैं 10 गुने पैसे दे देता। और आखिर ये कौन है जिसने मेरे जाते ही आकर आपकी ये एजेंसी खरीद ली? क्या नाम है उसका? बॉस शिखर को देखकर बोलता है, आपका शुभचिंतक। उन्होंने बस इतना ही बताने को कहा है मुझे। इससे ज्यादा मैं चाहते हुए भी और कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये सुनकर मानो शिखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी शिखर की नजर बॉस के केबिन में रखे कंप्यूटर पर जाती है और बिना बात की परवाह किए शिखर भागते हुए बॉस के केबिन में घुस जाता है। ये देखकर बॉस और अनन्या भी शिखर के पीछे भागते हैं, मगर इससे पहले वो पहुंच पाए शिखर केबिन का गेट उनके मुंह पे बंद कर देता है और कंप्यूटर पर लग जाता है बबीता को किसने नियुक्त किया इस बात का सच जानने। अनन्या और बॉस दोनों केबिन के दरवाजे के बाहर से शिखर को आवाज लगा रहे हैं। बॉस धमकाते हुए बोलता है, तुरंत बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। केबिन के अंदर शिखर बॉस के कंप्यूटर में बबीता के बारे में ढूंढना शुरू कर देता है। क्या शिखर को अपने शुभचिंतक के राज का पता लगेगा और क्या होगा जब अनन्या का राज आएगा शिखर के सामने? क्या शिखर इस सच्चाई का सामना कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनियर डिलीवरी बॉय सिर्फ पॉकेट एफएम पर।